हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज। सुपर आइडियाज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, यूपी की ओर से नई अनलॉक गाइडलाइंस आई हैं। यूपी में पहले ही अनलॉक हो चुका है, तो और भी कुछ गाइडलाइंस हैं क्योंकि काफी चीजें हैं अभी भी जिस पर बंदिशें हैं, तो ये 21 जून से अप्लाई होंगी। तो क्या क्या है गाइडलाइंस, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। इससे पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो यूपी में कोरोना केस की संख्या कम होते ही प्रदेश को पूरी तरीके से अनलॉक करने की तैयारी हो चुकी है। सीएम योगी ने मंगलवार को यानी कि आज टीम 9 के साथ बैठक में कहा कि अब 21 जून से कोरोना कर्फ्यू में और छूट दी जाए। इसके अलावा नाइट कर्फ्यू रात 9 बजे से अगले दिन सुबह 7 बजे तक ही रहेगा। नाइट कर्फ्यू एज इट इज है, देखते हैं और किन चीजों में छूट दी गई है। तो अभी जो नाइट कर्फ्यू है वो 7 बजे से सुबह 7 बजे तक है, तो ये थोड़ा सा इसमें 2 घंटे का रिलैक्सेशन मिला है, जो कि अब रात को 9 बजे से सुबह के 7 बजे तक होगा। पहले ये रात शाम के 7 बजे से था। कोविड प्रोटोकॉल में रेस्टोरेंट को 50% क्षमता के साथ खोलने के आदेश हुए हैं। इसके अलावा पार्क, स्ट्रीट फूड आदि के संचालन को भी अनुमति मिल गई है। तो क्या क्या अनुमति है, 21 जून से 50% बैठने की क्षमता वाले रेस्टोरेंट को कोविड संबंधित प्रोटोकॉल का पालन करते हुए फिर से खोलने की अनुमति है। तो रेस्टोरेंट खोल सकते हैं डाइनिंग के लिए भी विद 50% कैपेसिटी। सार्वजनिक पार्कों को फिर से खोलने की अनुमति दी जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क इनका उपयोग किया जाएगा और इसके साथ ही स्ट्रीट फूड के स्टॉल फिर से चलने लगेंगे। दुकानों को रात 9 बजे तक फिर से खोलने की अनुमति है। सब्जी की दुकानें, सब्जी मंडियां भी रात को 9 बजे तक खुलेंगी। स्थानीय प्रशासन पर निर्भर घनी आबादी वाले स्थानों पर सब्जी मंडियों को फिर से खोलने का निर्णय कोविड की स्थिति और भीड़ नियंत्रण के उपायों को देखते हुए लिया जाएगा। दुकान और शोरूमों को एक रजिस्टर रखना होगा। उत्तर प्रदेश भर में दुकानों और शोरूमों को अब व्यवसाय में आने वाले लोगों का विवरण रखने के लिए एक रजिस्टर रखना होगा। रजिस्टर में दुकान शोरूम आने वाले व्यक्ति का नाम, पता और फोन नंबर जैसा विवरण होना चाहिए। उत्तर प्रदेश को अनलॉक करने से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश सरकार द्वारा जल्द ही जारी हो जाएंगे। तो ये कुछ छूट है जो मिलेंगी 21 जून से उत्तर प्रदेश को। जैसे ही ऑफिशियल गाइडलाइंस आएगी वो भी वीडियो आपको पता चल जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तो अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही ऑफिशियल जो डॉक है उसकी वीडियो आए उसकी अपडेट आपको टाइमली मिल जाए। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।